नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आज सुबह करीब 11 बजे महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिमरावा गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तेंदुए के हमले में एक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सिमरावा निवासी कोमल अपनी पत्नी शारदा के साथ जंगल किनारे स्थित खेत में निराई गुड़ाई कर रहे थे। शारदा अपने पति कोमल से थोड़ी दूरी पर थी। इसी बीच तेंदुए ने शारदा पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल के भीतर 1 किलोमीटर दूर ले गया। वहीं पति ने चिल्लाते हुए इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। लाठी डंडे से लैस ग्रामीण जंगल में पहुंचे तो देखा कि शारदा की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना लोगों ने वन विभाग और अड्डा बाजार चौकी को दिया। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम और नौतनवा पुलिस पहुंची है। वन विभाग और पुलिस द्वारा तेंदुए की तलाश की जा रही है। अभी तक घटना स्थल पर नौतनवा SHO, नायब तहसीलदार नौतनवा सहित आला अधिकारी पहुंच गए हैं। मृतक के परिवार में 2 लड़के हैं, जिनका नाम संजय और सजीवन है। फिलहाल दोनों मुंबई व चेन्नई में कमाने गए हैं। वहीं कोमल सब्जी की खेती करते हैं। आपको बता दें कि सिमरावा गाँव की भौगोलिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह गाँव 3 तरफ से नदी और 1 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ की करीब 10,000 आबादी आज भी एक अदद पुल के लिए तरस रही है। ये लोग रोजाना अपनी जान को हथेली पर रखकर नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देने की कोशिश करेंगे।